quiet. Hotel Kanishk, room number 304. अपने आप को संभालो सोनिया, ऐसे खुद को सजा मत दो। भैया अब हमारे बीच में नहीं रहे, अगर वो जिंदा होते तो अब तक आ चुके होते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पूरा यकीन है वो जिंदा है। खुद को अंधेरे से बाहर निकालो सोनिया, अपना नहीं तो कम से कम भैया के सपने के बारे में सोचो। वो सपना अब तुम्हें पूरा करना होगा सोनिया, शायद इससे भैया की आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हें जीने का नया मकसद। यू डिजर्व अ मच बेटर लाइफ देन दिस सोनिया। तुम जो भी करोगी हम सब उसमें तुम्हारे साथ हैं। स्टे स्ट्रॉन्ग, अपना ख्याल रखना, मैं बाद में कॉल करूंगी। ओके विकी? बहुत मिस किया मैंने। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। अब कोई भी हमें जुदा नहीं कर सकता। मैंने उसे जान से मार दिया। ठीक है, अब रोना नहीं, ये हमारी जीत है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? उस दिन तुम्हें याद होगा। अब और कितनी दूर चलना है? बस थोड़ी सी और। और ये लोग पहुंच ही गए हम। वाह, इट्स सो ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल तो है पर तुमसे थोड़ा सा कम। आज मेरा बर्थडे है और तुम सोच रहे हो कि ये खूबसूरत जगह दिखाकर मुझसे बच जाओगे? ऐसा नहीं चलेगा मिस्टर विकी। मैडम, आप जिस जगह पे खड़ी हो ना, वो मिसेस सोनिया के नाम पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है। रियली? आई लव यू। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं मर चुका हूँ, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मुझे खुला आसमान दिख रहा था। वेट, शायद मेरी आंखें कुछ सेकंड पहले ही खुल चुकी थी। अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। सच में नहीं मारना था। पगड़ियां 100 करोड़ की मालकिन, इसका क्या करना है? डाल दो नीचे, एटलीस्ट किसी जानवर का पेट तो भर जाएगा। तुमसे बड़ी कमीनी मैंने आज तक नहीं देखी। पर मेरे प्रिंसिपल तो तुम हो ना। और आखिरी बार अपने पति को अलविदा कहते हैं।